अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मारिया एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल से मैं इधर आई नहीं हूँ अपनी यूनिवर्सिटी किसी काम से, और वापसी पे मुझे देर हो गई थी, तो मैं अपनी सिस्टर के हॉस्टल रुक गई थी। तो आज मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तो घर जाने से पहले मैं आई हुई थी, तो मम्मा कह रही थी तुम शहर गई तो हुई हो, तो चलो ईद की शॉपिंग ही कराओ। तो अब मैं जा रही हूँ ईद की शॉपिंग करने अपनी और अपनी सिस्टर्स की। तो ईद की शॉपिंग के बाद डायरेक्ट उधर से ही मैं अपने घर चली जाऊँगी। हॉस्टल से बाहर निकलते ही रोड पे हमें रिक्शा मिल गया, तो रिक्शे पे हम बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। वैसे मेरा सबसे फेवरेट काम है शॉपिंग करना। वो अलग बात है कि मेरे पास पैसे होते नहीं हैं शॉपिंग के, लेकिन फिर भी मेरा सबसे फेवरेट काम यही है। अगर मेरा मूड भी ख़राब हो ना और मेरे पास पैसे भी ना हो, तो मैं बस बाज़ार जा के चीज़ें देख ही लूँ ना, तो मेरा मूड उसी से ही ठीक हो जाता है। इतना क्रेज़ है मुझे शॉपिंग का। आप लोग बताएं, आप लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग कर ली है? और अगर नहीं की तो कब करनी है? दिन तो पीछे बहुत कम रह गए हैं, थोड़े से तो रोज़े रह गए हैं। चलिए, बाज़ार में पहुंच गई हूँ, तो शॉपिंग करते हैं। मेरी ना एक अच्छी आदत है, अगर बाज़ार जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पे जाके ज़्यादा टाइम नहीं लगता चीज़ पसंद करने में। जो चीज़ मैंने लेनी होती है ना, मेरी सीधी नज़र उसी चीज़ पर पड़ती है, किसी भी शॉप में एंटर होते ही। टोटल मैंने 7 ड्रेस लेने हैं। एक मैंने लेना अपनी बड़ी सिस्टर के लिए, 3 मुझसे छोटी सिस्टर्स हैं उनके लिए, और एक अपनी कज़न के लिए, और एक लेना है मैंने अपनी भतीजी के लिए। तो इनमें से मैं एक ड्रेस अभी तक लिया है और 6 ड्रेस अभी रखते हैं। तो चलें, अब मैं दूसरे मॉल में आकर इधर से देखते हैं, क्योंकि अब ईद में पीछे दिन कम रह गया है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं रेडीमेड सूट ही ले लूँ इन सब के लिए, क्योंकि पहले ड्रेस लेना फिर सिलाई करवाना, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और ईद के करीब तो वैसे ही दर्जन जो होती हैं इनके नखरे बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मैं गिफ्ट सेक्शन में आ गई हूँ, यहाँ से मैं देखूँगी अपनी भतीजी के लिए कोई प्यारा सा ड्रेस। आज तो इधर रश इतना ज़्यादा है ना कि सोच है आपकी, मतलब पाँव रखने की भी जगह नहीं है, इतना रश है आज बाज़ार में। और वैसे रश होने की ना एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आज थर्सडे है, तो लोगों के जहन में ये होगा ना कि कल फ्राइडे वाले दिन बाज़ार बंद होंगे, फिर एक दिन वेस्ट हो जाएगा, तो आज ही शॉपिंग कर लें, शायद इस वजह से भी ज़्यादा रश है। तो गाइस, फाइनली मैंने अपनी भतीजी के लिए, बड़ी सिस्टर के लिए और कज़न के लिए और छोटी सिस्टर के लिए ड्रेस ले लिया है। अब 2 सिस्टर और मेरा ड्रेस रह गया है। चलें, मैंने अपने लिए भी ये देखे, मैंने अपने लिए भी ड्रेस ले लिया है, ये वाला ड्रेस लिया है मैंने अपने लिए। बाकी सबके लिए तो मुझे 2 पीस और 3 पीस रेडीमेड मिल गए हैं, लेकिन जो सिस्टर मेरे साथ है ये ना, इसने एक शर्ट पसंद किया है, उसके साथ हम कैप्री मैच करेंगे। तो कैप्री हमने मैच कर ली है। अब हमने सारी शॉपिंग तकरीबन हमारी हो गई है, बस एक ड्रेस रह गया है। चलें, अब मैं वो भी देख लूँ एक दफ़ा। फाइनली कपड़ों की शॉपिंग हमारी हो चुकी है। ये आपको मेरे व्लॉग में ना, अगर मैं एक पूरा जितना टाइम मैंने शॉपिंग किया ना, वो सारा व्लॉग बनाऊँ ना, तो वो फिर देखते देखते भी आपको एक दिन ही लगेगा। तो ये मैंने कट कर कर के अंदर से वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन ये सारी जो शॉपिंग आपको मैंने 3 से 4 मिनट में दिखाई है ना, ये शॉपिंग करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है, ईद आए और लड़कियां चूड़ियां ना पहने या एयररिंग्स ना लें। तो अब मैं इनके कपड़ों के साथ इनकी पोनियां, एयररिंग्स और इनके लिए चूड़ियां लूँगी। फाइनली मेरी एक्सेसरीज़ और ड्रेस, ये चीज़ें कम्प्लीट हो गई हैं। अब मैं जाऊँगी ग्रोसरी सेक्शन में, वहाँ से मुझे 2 से 3 चीज़ें लेनी हैं। बस ये लास्ट काम है ग्रोसरी के बाद, हम जाएंगे काउंटर पे, फिर फाइनली हम जाएंगे अपने स्टॉप पे और जाएंगे अपने घर। मेरे गांव में जो बेकरी है ना, उधर से ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो उसके लिए भी हमें ना शहर ही जाना पड़ता है। तो मैं अब आई थी, मैंने कहा चलो शॉपिंग तो कर ही रही हूँ, तो इधर ही ग्रोसरी का ऑप्शन भी है। तो ईद पर मैं ना एक नई डिश ट्राई करने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे जो जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए ना, वो मैं इधर से ले कर जाऊँगी। एक मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की थी, जो मैंने शवारमा बेस को यूज़ करते हुए बनाया था। तब तो यकीन करें इतना टेस्टी बना था ना, कि अब मेरे घर वाले मुझसे फरमाइश करें कि एक दफ़ा फिर वो बनाओ। तो वो मैं ना तब सिर्फ एक शवारमा बेस लेके गई थी, कि सिर्फ ट्राई करने के लिए कि एक दफ़ा बना के देखूँगी कैसा बनता है। अब मैं दोबारा यहाँ से 2 शवारमा बेस लिए हैं, अब मैं ज़्यादा बनाऊँगी सबके लिए। जो जो मैंने चीज़ें लेनी थी वो सब मैं ले चुकी हूँ। अब हम जाएँगे काउंटर की तरफ। यहाँ ग्रोसरी सेक्शन में जो काउंटर है ना, वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा रश है। अगर मैं इधर वेट करूँगी ना, तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा मेरी बारी आने में। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, शायद ऊपर वाले किसी काउंटर पे रश थोड़ा कम हो और लाइन थोड़ी छोटी हो।
क्योंकि हमें ना यहाँ पे अब 2 बज गए हैं और 3 बजे आनी है हमारी बस, तो बस के लिए लेट हो जाएंगे अगर इधर हम लाइन में लग गए तो। इस वाले काउंटर पे 4-5 औरतें सिर्फ खड़ी थी, तो मैं अभी बस इधर ही लाइन में लग गई और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ। फाइनली मेरी बारी आ गई है, तो अब मैं बिल पे करूँगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और अब मैं इधर से निकल रही हूँ और अब हम यहाँ से बाहर निकल के रिक्शा लेंगे। रिक्शे में बैठ के हम जाएंगे अपने स्टॉप। तो इधर बाहर ना ये रिक्शा कोई खड़ा होने नहीं देते, तो काफ़ी ज़्यादा आगे चल के जाना पड़ता है। मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे से इतना वेट उठाया नहीं जा रहा। तो साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही हूँ, साथ साथ मैंने सामान भी उठाया हुआ है। फाइनली हमें रिक्शा मिल गया, अब रिक्शे में बैठ के हम जाएंगे अपने स्टॉप। हम अपने स्टॉप पे पहुंच गए हैं, अभी 3:25 हुए हैं और बस आनी है 3:45 पे, और अभी बस के आने में 20 मिनट हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लेट नहीं हुए और टाइम पे पहुंच गए हैं। एक आज मौसम भी इधर बड़ा प्यारा हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। फाइनली बस आती हुई मुझे नज़र आ गई है, बस आ रही है। बस पर हम बैठ गए हैं और बस यहाँ से चल पड़ी है। अब तकरीबन 2.5 घंटों में हम अपने घर पहुँच जाएँगे। आज की शॉपिंग में मुझे एक बात का अफसोस है, जो मैंने आपको अपने लिए ड्रेस दिखाया था ना, वो मुझे पसंद भी आया था और मैंने ना लेना भी था, लेकिन ना बाद में फिर मेरी सिस्टर का ड्रेस लेना था और ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो फिर मेरे पास पैसे थोड़े कम थे, तो मुझे वो ड्रेस जो था वो वापस करना पड़ा। बस अब मुझे उस चीज़ का अफसोस हो रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे से ना बैठा भी नहीं जा रहा, तो मैं टेक लगा कर ना थोड़ी देर सो जाऊँगी बस में। फिर जब थोड़ा सा सफ़र रह जाएगा ना, तो फिर मेरी सिस्टर मुझे उठा देगी। ये ड्रेस वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि ईद के व्लॉग में जब मैं वो ड्रेस ना पहनूं तो आप लोग ये ना पूछें कि इसने तो कोई और ड्रेस लिया था तो अब पहना इसने कोई और है। आधा सफ़र मेरा गुजर चुका है और आधा सफ़र मेरा अभी भी रहता है। कितना अच्छा लगा है ना, जैसे ही शहर से निकल के गाँव में सीन शिफ्ट हुआ है। जो मर्ज़ी कह लें, जो सुकून और जो आँखों को ठंडक और तस्कीन मिलती है ना इन नेचुरल व्यूज़ से, वो इंसान जितने मर्ज़ी बड़े शहरों में चला जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में चला जाए, शॉपिंग मॉल्स में चला जाए, जितने मर्ज़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स के नज़ारे कर ले, वो जो रूह को खुशी तस्कीन और सुकून आता है ना ये नेचुरल नज़ारों को देख के, वो कहीं और है ही नहीं है। जो ठंडक आँखों को ये ग्रीनरी देख के मिलता है, वो कभी भी शहरों की बिल्डिंग से या शहरों के शोर शराबे में नहीं मिलता। गांव की ज़िंदगी में ना एक अलग ही सुकून है। मैं हमने खुद अपना पूरा बचपन शहर में गुजारा है, ये स्टडी के लिए 6-7 साल शहरों में धक्के खाए हैं, लेकिन वापस अपने गाँव आके जो सुकून मिलता है ना, वो कभी भी कहीं और नहीं मिलता। बस मैं अपने गांव के करीब करीब पहुंच गई हूं, तकरीबन 10 मिनट तक इंशाल्लाह मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। तो मैंने अपने पापा को कॉल कर दिया कि हम बस 5 से 7 मिनट तक पहुंचने वाले हैं, तो वहां पे स्टॉप पे हमें लेने के लिए आ जाएंगे। ये व्यू देखें आप, ये मेरे गांव में एंटर होने से पहले का व्यू है। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं अपने गांव और मेरे पापा आ चुके हैं स्टॉप पे हमें लेने के लिए। बस ये अब बस रुकेगी और हम उतरेंगे, ये हमारा ही स्टॉप है। चलिए वो देखिए, मेरे पापा आ गए और हम अब अपने पापा के साथ बाइक पे बैठ के जा रहे हैं घर। ये देखें, अब सूरज ग़ुरूब होने वाला है और ये सीन देखें कितना प्यारा लग रहा है आसमान पर, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें,
सो फ्रेंड्स, फाइनली आई रीच्ड माय होम। आई होप आपने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।